Hi, let me just say Adit Minocha really fast, really quick, ताकि हम intros से आगे बढ़ सके. I genuinely forget to do my intros because मैं इतना excited होता हूँ बताने के लिए कि वीडियो में क्या होने वाला है. So अभी फटाफट बोल देता हूँ, Adit Minocha, Adit Minocha, Adit Minocha. You can't do it faster. आज मैं सुबह उठा और मेरे मन में आया रियाज अली. आई डोंट नो व्हाई यू गाइस वेक अप थिंकिंग अबाउट फूड. किसी को पॉटी आती है, किसी को कुछ काम होते हैं. मी आई थिंक अबाउट रियाज अली. इट डू बी लाइक दैट समटाइम्स. इफ यू गाइस डोंट नो हु रियाज अली इज, गेट द, जस्ट किडिंग. ऑलमोस्ट लास्ट ईयर रियाज अली पॉप्ड ऑन जस्टिन बीबर्स लाइव स्ट्रीम एंड मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था. इट वॉज अ वेरी सैड डे फॉर मी बिकॉज यू नो हाउ मच आई सपोर्ट रियाज अली अली एंड आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट ही इज अप टू. 22.2 million फॉलोअर्स. फॉलो कर देता हूँ. I like him. I don't hate him. Follow कर दिया मैंने. नहीं, follow back नहीं करेगा. It's cool not growing old. I like being the eternal stud. Eternal stud? क्या हो रहा है? Create a life you're obsessed with. Let's see what he's obsessed with. Cars. Bunu al, yeni gönder. More cars. Lots of cars apparently. चलो at least एक बात तो है कि professional lip syncers भी brown मुंडे सही से नहीं गा सकते हैं. माँ देसी चे बीटा trap ची बीटा सिर कटे बीटा wife beat सब beat कर दो. That's the beauty of this song. I mean I wouldn't blame him. I really thought it was a professional lip syncer. चलो आज सब हंसी के mood में आ जाओ. Come on. आ जाओ क्योंकि आज हम देखेंगे रियाज अली कॉमेडी वीडियो. आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर रियाज अली एंड दिस गॉट रिकमेंडेड सो आई एम नॉट गोना ट्राई टू मेक जोक्स एट ऑल. सीखेंगे आज हम. बोल आटा आटा ले फिर चाटा और रुक. बोल आफत आफत ले फिर वापस. रियाज माय मैन भाई. इट्स अ रूल. कोई तुम्हें कुछ बोले कि ये बोल तो कभी नहीं बोलना होता. उसके बाद या तो तुम्हें गाली पड़ती या फिर मार. स्कूल में बच्चे करते तो थे. बोल चकली. तेरी माँ टकली. मेरी माँ को टकली कर दिया. स्कूल नहीं गया क्या? रियाज अली इज 18 ईयर्स ओल्ड. प्लीज ही इज डूइंग टफ जॉब ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन एट 18. ठीक है, स्कूल वूल की बातें नहीं करनी. ये जोक्स वॉक है क्या? तुम लोग कैसे नॉर्मली चलते? ऐसे चलना होता है. ये हाथ का घुटना क्यों दिया? ताकि फोल्ड हो सके ना हाथ. अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा, एक आसान सा तरीका बताता हूँ. गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट करो, फिर ऐसे करो, फिर तेज तेज करो. ये उस टाइम करना है जब आपको कोई खाने के लिए पूछे. मेरी मम्मी आ रही है खाना लेके. बेटा खाना बन गया, भूख लगी है, दो ना. यही करना है. कोई तुम्हें ऑर्फनेज में नहीं छोड़ेगा. किसी को मत बताना. बोला किसी को मत बताना. ये इतनी सारी आवाजें क्यों डाल रखी है? ऐसी कौन सी कॉमेडी आ रही है साउंड से? क्या बोला वो? तुम इसको ध्यान से सुनोगे तो ये बहुत स्कैरी साउंड है. क्या बोला वो? बोला किसी को मत बताना. क्या बोला वो? अरे बोला किसी को मत बताना. ओह नो. ओ कुछ नहीं बताना. उसने बोलते गया वो, उसको लगा कि वो कुछ नहीं बता. I'm gonna use this. ये तो मैं use करने वाला हूँ. मुझे कोई hypocrite नहीं बोलेगा. मैं inspire हो रहा हूँ मैं. देखो जो भी बोलो, बंदे के बाल बढ़िया है. ठीक है, मेरे जैसे नहीं है. ठीक है, सूखे रूखे बाल. You know guys, winter is coming and इस dryness से बचने के लिए मुझे मामा अर्थ ने ये almond hair range भेजा है, which is chemical free and natural, unlike some people's hair color. देखो बादाम खा खा के तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, तुम बढ़िया सी रील्स बना लोगे, पर इस दिमाग के ऊपर के स्कैल्प का क्या? For that you need the 3-step hair care routine which you can start with the almond hair oil. It smoothens your hair and improves texture. इस comb applicator से you can apply the oil and ensure that it reaches your scalp. रात भर रखो या फिर just a few hours and then wash using the almond shampoo in the next step. The almond shampoo deeply nourishes your scalp and hair which you can follow up with the almond conditioner which adds to the nourishment and इससे तुम premature graying भी prevent कर सकते हो. Mamaearth ensure करता है कि every time you buy from them, your order is linked to a tree that they plant. So when you order, use my code Adit2021, जिससे आपको 20% off मिलेगा Mamaearth के official app और website पे. Mamaearth के सारे products available है on Amazon, Nykaa and Flipkart and obviously the Mamaearth official app and website. मेरे बालों का तेल headphones पे फैलाते हुए आगे की video देखते हैं. बोल breakup. Breakup. यार it's किसी को समझ क्यों नहीं आता जब कोई बोलता है बोल नहीं बोलना चाहिए. ब्रेकअप ब्रेकअप दिया. अबे साले. अच्छा ब्रेकअप देने वाली चीज है क्या?
इतने लोगों ने मांगा मुझसे, किसी को नहीं दिया अभी तक मैंने। रियाज अली का फैन हूँ, ब्रेकअप नहीं दूंगा। इतनी लड़कियों ने मांगा, किसी को नहीं दिया। That has to be the best walkout scene. अब तक Hollywood movies भी इस level तक पहुंच नहीं पाई है। चल के आ रहे हैं, पीछे आग वाग फूटती है, वो सब सब बहुत कॉमन है। साइकिल पे कभी निकलते हुए देखे? वो भी ऐसे 5 मिनट पहले उसको यूटर्न लेने में लगा और यूटर्न जाने के बाद फाइनली जो उल्टा घूम के मीम, अबे साले मीम। What a fucking meme bro. You just got memed. Excuse me, time क्या हो रहा है? फोन नंबर वंबर पूछो यार, एड्रेस पूछो, टाइम पूछ रहे हो, टाइम बताने वाले लग रही हूँ मैं। Amazon का delivery boy थोड़ा ना हूँ, time address और number पूछूँ। Oh no. My man. He's living the life everybody's obsessed with. हर लड़के को क्या चाहिए कि लड़की को तुम कुछ important, sensible, useful चीज़ पूछो और वो बोले Dad, मेरा number क्यों नहीं मांग रहे तुम? क्या बोल रहे तुम लोग? क्या मतलब कि Amazon delivery boys को already address और number पता होता है? कोई logic नहीं ढूंढेगा यहाँ पे। एक तो single होने का गम। पाक। ये क्या हुआ? पाक कौन किया भाई? ओ यार एक शायरी सुनाओ। सुना। कबूतर के दो पर। वाह वाह। पहले सुन ले। कबूतर के दो पर। अब बाबा कौन करेगा? बाबा कौन करेगा? कबूतर के दो पर। जोर से क्यों बज रहा है ये? एक इधर एक उधर। ओहो शायरी, ओहो मजा आ गया। वो ऐसे लिख लेते हैं यार लोग। क्या मैं ढिंचैक पूजा के गाने का रिफिक्स बना रहा हूँ। बढ़िया लिखा है, जो भी लिखा है। कबूतर के पर इधर उधर, बट ये सब तो पुराने वीडियोस हैं। आदित तू पुराने वीडियोस क्यों देख रहा है? नए देख ना। रियाज अली न्यू टिकटॉक, रियाज अली टिकटॉक वीडियो, रियाज अली लेटेस्ट न्यू टिकटॉक, रियाज अली ये देखते हैं गाइस सब। अरे परसों उसको ड्रेस दिलाई। हाँ कल ब्रेकअप कर लिया, आप लड़कियों से दूर रहूंगा यार, खर्चे बहुत करवा देती है। Excuse me. Yes? आप पे कोई नाम है क्या? I love you कह के बुलाऊं? मैं भी यही सोच रहा था, लड़कियां इतने खर्चे क्यों करवाती है? इनको क्या जॉब वॉब करने नहीं देते क्या? इनको क्या पढ़ाई के बाद सीधा शादी करा देते क्या इनकी? हाँ ओके आई नो गाइस, इज जस्ट एक्टिंग, इट्स नॉट रियल, इज जस्ट लिप सिंकिंग एक्टिंग, बट क्या करूँ मैं, ये आ रहा है मेरी रिकमेंडेशन में रोज। आई लव यू टू। अरे मैंने लव यू बोला ही नहीं। अभी तो बोला, अभी तो उसने बोला लड़कियों से दूर रहने वाले। रियाज भटक रहा है यार, कोई रियाज को संभालो। रियाज माय मैन, फिर मैं कैसे देखूंगा रियाज अली न्यू टिकटॉक, रियाज अली टिकटॉक वीडियो, रियाज अली लेटेस्ट टिकटॉक वीडियो, रियाज अली न्यू वीडियो, कैसे देखूंगा मैं? सब एपिसोड्स में भटे हुए हैं ऐसे कि एक एपिसोड में ही वो सैड इनिशियली कि ओ शिट खर्चा हो गया। मे बी दिस इज द प्रीक्वल, मे बी इसने पहले ऐसे खुद से आई लव यू बोला लड़की को, फिर क्या हुआ था? मैंने लव यू बोला ही नहीं। अभी तो बोला। कब? क्या नहीं बोला? लव यू। अरे लव यू नहीं बोला। टेक्स्ट गेम यही तो होती है, टेक्स्ट गेम, हाउ टू पिक अप गर्ल्स ऑन टेक्स्ट। व्हाट डिड आई नॉट से? आई लव यू, स्क्रीनशॉट सारे दोस्तों को भेजूंगा, ये देख आई लव यू उसके नाम के साथ। दैट किड्स इज द स्टोरी ऑफ हाउ आई मेट योर मदर फ्रेंड। लेयर्ड जोक। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है, मैं 2018 में सिंगल था। क्यों है ऐसे लाउड वियर्ड साउंड्स वाले? क्यों? व्हाई इज दिस अ थिंग? ऑनेस्टली मैंने बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने को कि म्यूजिक पे लिपसिंग करना भी कॉन्टेंट होता है, उस पर बहुत अभी मार्केट इतना बड़ा है, व्हाट कैन यू डू? ऑब्वियसली सम मैसेज मत करो मुझे, वीडियो शूट कर रहा हूँ। इवेंचुअली लाइक इट्स अ सेगवे, लाइक इफ यू गेट टू फेमस यू माइट एक्चुअली गेट इनटू म्यूजिक वीडियोस जहाँ पे तुम्हें लिप सिंक ही करना है टू व्हाटएवर द सिंगर इज सिंगिंग। बट व्हाट इज, कौन से जोक्स है, कहाँ से जोक्स आ रहे हैं, कौन लिखता है इनको? आई एम ग्लैड मैं अभी घर जाने वाला हूँ। हैप्पी दिवाली टू यू गाइस, सो मेक श्योर यू राइट हैप्पी दिवाली इन द कमेंट्स, आई विल रीड देम एंड मतलब आई विल जस्ट नो कि बहुत लोगों ने बोला है मुझे हैप्पी दिवाली। अब क्या सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, मुश्किल है थोड़ा। दिवाली के शुभ अवसर पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो तुम लोग, मतलब दिवाली ऑफर है, पैसे नहीं लगेंगे। देखो लोग कितना भी मजाक उड़ा ले, ठीक है, ही इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, फक सीट बेल्ट्स, ओके, गाड़ी चलाना आना चाहिए। सीट बेल्ट की भी एज होती है ना, वो तो बाद में पहनते हैं। क्या पी रहे? अगर कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ये गाना नहीं सुन पाए तो मैं बस इसे बोल देता हूँ, इसके लिरिक्स है, पीने लगे हो तुम पीने लगे हो। रियाज अली क्यों पी रहा है मेरे को नहीं पता। पीने की एज तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए होती है ना, इन्फ्लुएंसर तो पी सकते हैं कभी भी, है ना, आई गेस। अबे वो लोग इन्फ्लुएंसर है, उनको थोड़ी ना एज वगैरह मैटर करता है। 22 मिलियन फॉलोअर्स वाले को तुम बोलोगे कि दारू मत पियो, हैं?
छोरी ने यू ओद का चढ़ा रखी है एक दम ना होड़ी इससे दूसरी मंगवा रखी Full on party guys, I love it when Riyaz Ali tells me कि निक्कर वाली छोरी क्या पी रही है I just love it man. मुझे तो जानना था निक्कर वाली छोरी क्या पी रही है Like I was always wondering what हनी सिंह का जो गाना है obviously like Riyaz Ali के fans जो उससे 6 साल छोटे हैं उनको यही तो जानना है निक्कर वाली छोरी क्या पी रही है Every boy is a player until he wears white shirt to see through है almost मेरे शर्ट के थ्रू दिख नहीं रहा है That means I am a player जब तक तुम मेरी छाते नहीं देख सकते तब तक मैं प्लेयर हूँ What is this generalization? इंजीनियरिंग कॉलेज इसने देखा नहीं होगा कभी कितने प्लेयर जेई दे के आए हैं कितने सारे प्लेयर्स They just met the one the true one is the book Every boy is a player इतना प्रिविलेज प्लेयर ये 2017 का कोट्स पेज है क्या लड़कियां खर्चा करवाती है लड़के प्लेयर है क्या चल रहा है क्या मैं हूं ना देख क्या है क्या ये चलो आज का हो गया जाओ दिवाली मनाओ